मॉर्निंग फोर्थ क्लास. आई एम माधवी, योर हिंदी टीचर. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस लेसन नंबर 14, पटाखों से तौबा. अब देखो, इस चैप्टर में आपको किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है? पटाखों के बारे में बताया जा रहा है. तो चलिए देखते हैं. प्रस्तुत चित्रकथा के द्वारा पटाखों से होने वाली हानियों के विषय में बताया गया है. इसमें क्या बताया गया है कि जो पटाखे हैं उनसे कौन कौन सी हानियां होती हैं, कौन कौन से नुकसान होते हैं, उसके बारे में बताया गया है. ठीक है, तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. मध्य अवकाश का समय था. 2 दिन बाद दीपावली थी. ठीक है, अभिषेक, रोहित और हर्ष तीनों मित्र मैदान में बैठे दीपावली पर विभिन्न प्रकार के पटाखे खरीदने की योजना बना रहे थे. अब देखो ये क्या बोल रहे हैं कि आपको पता है जब दीपावली आती है, आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ प्लानिंग करते हो ना, हम ये वाले पटाखे लेंगे, वो वाले पटाखे लेंगे, है ना. ऐसे ही 2 दिन बाद दीपावली थी और दोस्त हैं, 3 दोस्त, अभिषेक, रोहित और हर्ष, ये तीनों क्या कर रहे हैं, मैदान में बैठे हुए हैं. मैदान मीन्स किसी पार्क में, किसी बगीचे में, वहाँ पर बैठे हुए हैं और वो प्लानिंग कर रहे हैं कि हम दीपावली पर ये वाले पटाखे खरीदेंगे, वो वाले पटाखे खरीदेंगे. ठीक है, आप देखो जैसे इस पिक्चर में देख सकते हो तीनों फ्रेंड्स बैठे हुए हैं. मैं भी ढेर सारे रॉकेट और अनार बम लाऊंगा. ठीक है, ये तीनों बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं. भाई मैं तो 1000 बमों वाली लंबी लड़ी लाऊंगा, जब तड़ तड़ करती जलेगी तो बहुत मज़ा आएगा. एक बच्चा क्या बोल रहा है कि मैं तो 1000 वाली लंबी लड़ी लाऊंगा पटाखों की, जब वो तड़ तड़ करती हुई जलेगी तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा. और तीसरा दोस्त क्या कहता है, मैं तो 5 दर्जन बम, फुलझड़ियाँ और छतरी वाले रॉकेट लाऊंगा. ये तीनों दोस्त हैं, वो आपस में प्लानिंग कर रहे हैं. एक दोस्त कह रहा है मैं ढेर सारे रॉकेट लाऊंगा, अनार लाऊंगा. दूसरा दोस्त कह रहा है मैं 5 दर्जन पटाखे और फुलझड़ियाँ लाऊंगा. तीसरा दोस्त कुछ कह रहा है. ये तीनों आपस में क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं. इन तीनों की बातें विज्ञान की अध्यापिका श्रीमती शीतल शर्मा के कानों में पड़ी. अब ये जो देख रहे होंगे आप, ये जो सीन है ये स्कूल का है, क्योंकि ये टीचर खड़ी हैं, ये स्कूल के बच्चों ने यूनिफॉर्म पहनी हुई है. मध्य अवकाश का समय बोला है ना, मध्य अवकाश मीन्स क्या हो गया, जैसे लंच समझ सकते हो आप, लंच जो हो गया, लंच टाइम जो होता है. देखो तीनों बच्चे लंच कर रहे हैं. तो इनकी साइंस की एक टीचर है जिसका नाम क्या है, श्रीमती शीतल वर्मा, वो इन तीनों की बातें सुन रही हैं कि ये तीनों आपस में क्या बात कर रहे हैं. उन्होंने मन ही मन कुछ सोचा और फिर वहाँ से चली गई. पहले तो वो कुछ सोचती रही, तीनों की बातें सुन के 2 मिनट वो खड़ी रही, सोचती रही, फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो वहाँ से क्या हुआ, चली गई. मध्य अवकाश के बाद श्रीमती शर्मा उनकी कक्षा में आई. मध्य अवकाश में लंच जब ख़त्म हो गया तो उनकी जो टीचर थी श्रीमती शर्मा, साइंस टीचर जो थी, वो उनकी क्लास में आई. बच्चों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया. अभिवादन किया मीन्स आप देखते हो आपकी क्लास में कोई टीचर आती है, आप क्या करते हो, खड़े होकर गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून बोलते हो ना, तो बच्चों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया, उन्हें विश किया. अध्यापिका शीतल शर्मा जी ने वायु प्रदूषण से संबंधित एक चार्ट पेपर पर शाम पट के पास लटकाया और बोली. अब क्या किया साइंस की टीचर ने कि वो क्लास में आई, उन्होंने वायु प्रदूषण से संबंधित एक चार्ट शाम पट मीन्स होता है ब्लैक बोर्ड के पास लटका दिया. अब ये टीचर क्या बोलती हैं, बच्चों 2 दिन बाद दीपावली है, क्या आपने पटाखे खरीद लिए हैं. टीचर क्या बोलती है कि 2 दिन बाद दीपावली है तो क्या आपने पटाखे खरीद लिए हैं. तो पहला बच्चा क्या बोलता है, मैडम जी मैंने तो बहुत सारे बम खरीदे हैं. आप लोग बोलते हो ना जब टीचर बोलती हैं तो बताते हो हमने ये खरीदा है, हमने वो खरीदा है. तो एक बच्चा बोलता है टीचर जी मैंने तो बहुत सारे बम खरीदे हैं. दूसरा बच्चा क्या बोलता है, मैडम जी मैं तो पूरी 1000 रुपये के पटाखे लूँगा. क्या बोलता है वो, मैं तो पूरे 1000 रुपये के पटाखे लूँगा. तीसरा बच्चा क्या बोलता है, मैं तो कल खरीदूँगा. उसने अभी खरीदने नहीं हैं लेकिन वो कल खरीदेगा. ये जो टीचर हैं वो इन तीनों की बातें जो हैं वो बहुत ध्यान से सुन रही हैं कि ये बच्चे क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं. अब देखते हैं कि ये जो टीचर हैं वो उन्हें क्या रिप्लाई करती हैं, वो क्लास में आई हैं तो क्यों आई हैं, क्या समझाती हैं बच्चों को, और क्या जो टीचर समझाती हैं वो बच्चे समझ पाते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे तब पता चलेगा, और आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू ऑल ऑफ यू. आपका होमवर्क है, आप इसको पढ़ेंगे और अगर कोई डाउट होता है तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में
बता दूंगी।